अनुप्रिया जी, देखिए एक चीज जो आपके बारे में अभी निकल करके सामने आई है, लोगों ने उसको देखा है, आपके गाने, आपकी आवाज बड़ी लोगों को, रुक जाएगा और बहुत वायरल होल्ड करके, तो हम आज तक के दर्शकों के लिए भी चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुनाइए, कुछ गाइए, ताकि ये चीजें दूसरों तक भी सीधे पहुंचे। रुक के रुक के रुक के, अगर आप माइक पकड़ कर गाना चाहें तो आप खुद ही सेट करें। नेता का लोग भाषण सुनना ज्यादा पसंद नहीं, नहीं, लेकिन अगर क्योंकि बहुत हम लोगों ने देखा है तीखा चुनाव हो रहा है, पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं, ऐसे में अगर कहीं कोई गीत, कोई सुरीला कैंपेन हमें मिलता है तो मुझे लगता है उसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है। होल्ड करके, गंगा तो कोई गाना है क्या? नहीं, वो होश वाली, वो आपने बहुत बढ़िया गाया होश वालों को, उसको आप एक बार सुना। जगजीत सिंह की गजल थी, जैसे मुझे जगजीत सिंह जी की गजलें बहुत अच्छी लगती हैं, तो गुनगुला लेती हूँ मैं कभी कभी। एक और उनका गाना है जो बचपन में मैं बहुत गाती थी, कागज की कश्ती वो बारिश का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवान, मगर मुझको लौट दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज भैया बहुत शानदार आपने गाया, मतलब ये आपकी ये प्रतिभा छुपी हुई थी। ओके, बोल ले, आप बोल ले, पीछे जगह नहीं, ये बचपन से गाने का शौक है, लेकिन अब 10 साल की राजनीति में गाना बहुत पीछे छूट गया, गाना छूट गया पीछे, पता नहीं अचानक उस दिन कहाँ से बस हो गया। लेकिन आपने एक कार्यकर्ताओं के साथ जो गाना गाया था वो बहुत वायरल हुआ है, उसको आप सुनाइए। मेरे सभी कार्यकर्ता गा रहे थे, सारे लोग गा रहे थे, मेरा बर्थडे था। अच्छा। तो हम लोग थोड़ा लाइट मूड में थे, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कैंपेन कर करके हम लोग इतना थक जाते थे, तो उस दिन सब पता नहीं कैसे गाने के मूड में आ गए थे, तो सारे लोग गाना गाने लगे थे।